इस ट्रक में थे छोटे बच्चे भी है, छोटे भी है, महिला भी है। ये जैसलमेर से आए और अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ चौटन सर्किल पर पुलिस ने रुकवा दिया इनको पूछताछ के लिए। इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं। क्या नाम है? शंकराराम। कहाँ से आए हो? जैसलमेर भादुरा गांव से। हाँ, आगे जा रहे हो? तरले। कहाँ जा रहे हो? तरला। तरला कहाँ है? तरला आया, साता तरला। हाँ, तो जैसलमेर वहाँ क्या कर रहे थे? टूबेल कर रहा था, कोई फसल कर रहा था सियालू। हाँ जी। हाँ, फिर बताया फसल ले जा, ले करे ना, मैं घर पे जा रहा। हाँ, कितने जने हो कुल? कुल 32-33 जने हो। हाँ, छोटे और बड़े सब? छोटे बड़े सब। तो अब यहाँ पर आपको रुकवाया पुलिस ने? रुकवाया था, पूछ जाछ करी थी, पर चला गया। तो इसमें आए किस में हो आप? ये ट्रक पड़ी है, ट्रक में। तो और क्या है इसके अंदर, क्या भरा रखा आपने? अंदर भरा कोई बकरी है, एक भैंस है ना, और थोड़ा धान धून है। आप हो कहाँ के प्रॉपर? जी हो कहाँ के? आप तड़ला के ही हो? हाँ, तड़ला के। सभी? हाँ, सभी। क्या क्या समाज से हो? क्या? कौन सी जाति से? कोली। कोली हो है? जी हाँ। ये कोली जाति के है जो जैसलमेर की, उनको उन्होंने एक ट्यूबवेल किया था, फिर ये वहाँ से वापिस अपने तड़ला गाँव जा रहे थे, तो वहाँ पर यहाँ पर इस ट्रक के पीछे ये सामान बांध के। बाहर नहीं निकले, यदि आवश्यक और निकले तो मास्क लगा लेना। मेरे को इतना बोला उन्होंने कि खाना खिला दिया, इसके नहीं होती थी हमको। मेरे पास गुजरात। वहाँ पे चेक नहीं किया।
वो उसके सह खोपी ये खड़े थे, वो साहब नहीं बताया था मेरे को, ना नहीं बताया साहब नहीं बताया था उसका, नहीं वो कुछ खाना इनको खिला दिया है, ये राह दी रहे थे इनको तीन आदमियों के ऊपर चढ़ा दो, ऊपर चढ़ाया। कितने लोग हैं? तीन लोग हैं, मर्जा तीन सात है, दस ये वाले साथ मेरे साथ तीन ऐसे तो और पीछे और थे साथ कह रही है मेरे साथ तीन खड़ा है सिंह जी साथ है ये जैसलमेर से आने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है सदर पुलिस। ये वापस रवाना हो रहे अपनी गाड़ी पे चढ़कर, देख लो दोस्तों सर, ये ट्रक में अभी चढ़ के आए थे जैसलमेर से, ये क्या मामला है? और दूसरा और ट्रक आया गुजरात से। हाँ, ये लोग को इनके सामान वामान था इनके ट्रकों में, इन सामानों में ये लोग परिवहन करके यहाँ लिया है। आगे इनके कोई गांव है पास में, भिकुड़े और नज़दीक में गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनके साथ ये आदमी लिया है, जबकि इनको ध्यान है कि अभी परिवहन व्यक्तियों का नहीं करना है, उसके बाद भी लिया है लोग। तो जो व्यक्ति थे मजदूर थे उनको तो हमने चेकअप करवा लिया, और बाकी जो ट्रक है उसके और ट्रक और जो ट्रक का जो भी मालिक है और ड्राइवर है, तो एक प्रकार से ये लॉकडाउन का उल्लंघन है, तो उसके खिलाफ 188 में कार्रवाई की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो लोग भी आए, व्यक्तियों को परिवहन का मना कर रखा है, उसके बावजूद भी आगे सर जिलों की लेकिन फिर भी जिम्मेदारी व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है कि वे आते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन करें। तो कम से कम ये लोग जैसे लेके आ रहे हैं, इनकी इतनी वो है कि हम इनको परिवहन के रूप में काम में ले रहे हैं, तो इन जो भी दोनों जो लाए हैं, जो सूरत से भी लाए हैं जैसलमेर से लाए हैं, दोनों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, दोनों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करेंगे।